कहते हैं किसी काम में महारत हासिल करनी हो तो जी तोड़ मेहनत की जरूरत होती है, पर कुछ लोग जन्म से किसी एक काम में हमेशा आगे रहते हैं, जैसे कुछ लोग बातों बातों में कॉमेडी कर लेते हैं। इनकी कॉमेडी देख के ऐसा लगता है जैसे स्क्रिप्ट इनके दिमाग में ही हो। आज कॉमेडी की बात निकली ही है तो बता दूं कि हमारे फिल्म जगत में एक से एक बेहतरीन हास्य कलाकार आ कर गए, पर कुछ कॉमेडियंस ऐसे भी हैं जो अपने अदाकारी के लिए आज भी जिंदा हैं। जॉनी वॉकर, किशोर कुमार, सुंदर, जगदीप, महमूद, टुनटुन, असीत सेन, गोप, कादर खान, जॉनी लीवर, परेश रावल, ये ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने ना सिर्फ हास्य अभिनय किया बल्कि कॉमेडी को नया रंग रूप देकर उसे खुद के स्टाइल में पेश भी किया। मैं हूं आपकी अनामिका, लाई हूं एक बेहतरीन हास्य अभिनेता की कहानी जिन्होंने हास्य अभिनय को अपने अंदाज में पेश किया था। स्वागत है आपका अपने चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी पर, जहां मैं गोल्डन एरा से जुड़े कलाकारों की कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, अगर आप भी आगा जी के फैन हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए। अजीब मुसीबत है, आगा जान बेग का जन्म महाराष्ट्र के पुणे शहर में 12 मार्च 1914 को एक पारसी परिवार में हुआ था। वो बहुत छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया। वो अपने बहनों में से सबसे बड़े थे। पुणे में उनके पिताजी का व्यापार हुआ करता था और आगा जी बचपन से उनके साथ काम किया करते थे और साथ ही उन्हें पढ़ाई लिखाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया था कि वो सिर्फ 3 दिन स्कूल गए और परिस्थितियां ऐसी बनती गई कि उन्हें पढ़ने का मौका कभी मिला ही नहीं। उन्हें खेल कूद और घोड़ दौड़ का बड़ा शौक था। वो हमेशा से चाहते थे कि वो एक जॉकी बने, पर किस्मत से उनकी औसत बॉडी हाइट कुछ ज़्यादा ही थी, इसीलिए उन्हें हॉर्स राइडिंग का मौका मिला नहीं। फिल्म इतिहासकारों का मानना है कि आगा जी का पूरा परिवार पुणे से मुंबई शिफ्ट हुआ था, पर एक इंटरव्यू में आगा जी की बेटी शहनाज बताती हैं कि आगा जी घर छोड़ के मुंबई आए थे क्योंकि उनका जॉकी बनने का सपना टूट गया था। मुंबई आने के बाद आगा जी के रहन सहन में बदलाव आया। मुंबई की चमक धमक से उन्हें खूब सीखने को मिला, अच्छे दोस्त बने और उन्हें इंग्लिश भी आने लगी। उनकी इंग्लिश सुनकर कोई इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि आगा जी कभी स्कूल गए नहीं। दोस्तों के कहने पर वो ड्रामा कंपनी का हिस्सा बने। स्टेज शो के बदौलत उन्हें एक्टिंग की बारीकियां समझने लगी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उन्हें पैसों की तंगी सताने लगी। उन्हें फिल्मों में एक्टिंग करने की इच्छा तो नहीं थी, पर रोजी रोटी के लिए उन्हें फिल्म स्टूडियोज में जाना पड़ा। कहा जाता है कि उन्हें पृथ्वी पिक्चर कंपनी के अंतर्गत एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। एक इंटरव्यू में आगा जी बताते हैं कि वो सेट पर लेट पहुंचे, इसीलिए उन्हें फिल्म से निकाला गया। दरअसल उन्हें निकाले जाने का कोई गम नहीं था, पर उन्हें इस फिल्म के जरिए 45 रुपए प्रतिदिन मिलने वाले थे, वो अब नहीं मिलेगा इस बात का दुख उन्हें ज्यादा था। पर किस्मत उन पर मेहरबान थी, कुछ दिन के अंदर उन्हें कवल मूवी टोन में प्रोडक्शन मैनेजर का काम मिल गया। दरअसल ये काम उनके दोस्तों ने दिलवाया था। प्रोडक्शन कंपनी ने आगा जी के टैलेंट को जांच लिया और अपनी अगली फिल्म स्त्री धर्म में उन्हें कॉमेडियन का किरदार दिया। आगा जी की बेटी बताती हैं कि उनके करियर की शुरुआत साइलेंट फिल्मों से हुई, पर आगा जी 90 के दशक तक काम करते रहे।
उनके द्वारा की गई कॉमेडी एक खास अंदाज से प्रकट होती थी। उनके डायलॉग डिलीवरी में उनका बड़ा शरीर और मुंह का खास योगदान हुआ करता था और इसी वजह से कम समय में अपनी खास पहचान बना ली। आगा जी के बारे में कहा जाता है कि वो स्क्रिप्ट में इम्प्रोवाइज किया करते थे। वो हमेशा अपने खुद के बने बनाए डायलॉग को लेखक द्वारा लिखे गए डायलॉग्स में घुसा दिया करते थे। इस वजह से को-स्टार को काफी मसागत करनी पड़ती थी। 1940 तक वो साधारण स्तर के कलाकारों में मौजूद थे, पर 1941 में किकुभाई देसाई द्वारा दिग्दर्शित सर्कस की रानी फिल्म रिलीज हुई और आगा जी को सही मात्रा में पहचान मिली। फिर मुख्य किरदार में उनकी कुछ फिल्में आईं, जैसे 1944 की ज्वार भाटा और टैक्सी ड्राइवर, 1942 की मुकाबला। ज्वार भाटा फिल्म से दिलीप कुमार साहब ने अभिनय की शुरुआत की थी। इस फिल्म में आगा जी दिलीप कुमार के सीनियर थे। पतिता 1953, हमारी 1963, दुनिया मेरी जेब में, धन दौलत 1980, इन सभी फिल्मों में आगा जी सीरियस किरदार में भी दिखे। आगा जी के बारे में एक बात कही जाती है कि वो हमेशा खुश मिजाज वाले व्यक्ति थे और सेट पर उनकी मौजूदगी रंगमयी होती थी। सेट के सारे क्रू मेंबर्स के साथ वो उनकी भाषा में बात करते थे। वो खुद पुणे से थे, इसीलिए उनकी मराठी बहुत अच्छी थी, पर वो हमेशा अपने बच्चों को फिल्मी दुनिया से दूर रखना चाहते थे। पर किस्मत में कुछ अलग लिखा गया था, उनके सारे बच्चे फिल्म जगत से जुड़ गए। पर इस बात को आगा जी ने सर पर नहीं लिया और एक वक्त ऐसा भी आया जब वो खुद अपने बच्चों के लिए फिल्म प्रोड्यूसर से सिफारिश करने लगे थे। उनकी बीवी का नाम मासूम आगा जान था, जिनसे उन्हें एक बेटा जलाल आगा और तीन बेटियां शहनाज, शहूर, शाही हुई। जैसे कि मैंने बताया कि आगा जी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे फिल्म जगत में आए, पर उनके चारों बच्चों ने आगे चलकर फिल्मी दुनिया में अपना अपना नाम रोशन किया। जलाल आगा से आप परिचित हो ही, उस दौर में जलाल बड़े एक्टर्स की सूची में आता था, पर दुर्भाग्य से सिर्फ 49 साल की उम्र में जलाल गुजर गए। आगा जी की सबसे बड़ी बेटी शहनाज 7 हिंदुस्तानी फिल्म में बतौर हीरोइन के रूप में दिखी। इसी फिल्म से अमिताभ बच्चन ने अभिनय की शुरुआत की थी। कालिया फिल्म के डायरेक्टर और मशहूर एक्टर टीनू आनंद शहनाज के पति हैं। आगा जी के बच्चों में सबसे पहले शहनाज फिल्म जगत से जुड़ी थी। एक इंटरव्यू के दौरान आगा जी के बेटे जलाल बताते हैं कि उनके पिताजी अन्य डायरेक्टर्स के पास उनकी सिफारिश करते थे, जो जलाल को बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि पिता के बदौलत वो आगे बढ़े। जॉकी बनने का सपना भले ही पूरा ना हुआ, पर आगा जी ने घोड़ा पालना नहीं छोड़ा और साथ ही वो क्रिकेट फुटबॉल के भी शौकीन थे। तो ऐसे थे हमारे आगा जी। अपने जीवन में 300 से भी अधिक फिल्मों से लोगों का मनोरंजन करने वाले आगा जी ने 30 अप्रैल 1995 में आखिरी सांस ली और पीछे छोड़ गए न भुला देने वाली यादें। अपने आखिरी सांस तक वो काम करते रहे। 1994 में उनकी आखिरी फिल्म उल्फत की नई मंजिलें रिलीज हुई थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।